दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एडसेंस अकाउंट में यूएस टैक्स फॉर्म फिल करना कितना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इस फॉर्म को फिल नहीं करते तो आपका जो भी यूएस से व्यू जाएगा और उसे जो भी अर्निंग होगी उस पर 30% का टैक्स लग जाएगा और आपकी अर्निंग जो है कम होकर आपको मिलेगी। तो दोस्तों बहुत लोग जो है एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म फिल कर रहे हैं लेकिन उनको एक डाउट जो है हाथ धोकर पीछे लग गया है। दोस्तों मुझे जो है इंस्टाग्राम पर बहुत लोगों ने डीएम किया कि सर हमने तो अपने एडसेंस अकाउंट में यूएस टैक्स फॉर्म फिल कर लिया लेकिन वो फॉर्म फिल भी हो गया, अप्रूव भी हो गया है, लेकिन ऊपर जो भी ऑप्शन दिखा रहा है मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन का वो ऑप्शन हटा नहीं, वो ऑप्शन अभी भी है, तो क्या हमें दोबारा फॉर्म फिल करना होगा? और जो फॉर्म हमने फिल किया है वो अप्रूव होने के बाद भी वहाँ पर ऐड ए न्यू फॉर्म का ऑप्शन दिखा रहा है, तो क्या हमको न्यू फॉर्म फिर से फिल करना होगा? तो ये प्रॉब्लम दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर को परेशान कर रखी है। यूएस टैक्स फॉर्म फिल करने के बाद भी ऑप्शन ऊपर है, हट नहीं रहा है, क्या दोबारा से फॉर्म फिल करना होगा कि नहीं? तो चलिए इसके लिए दोस्तों मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे चलता हूँ, वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद अगर ऑप्शन दिख रहा है तो क्या करना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर आल को ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे ही हमने फॉर्म फिल कर दिया है और ये अप्रूव्ड हो चुका है लेकिन यहां पर मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन का जो है ऑप्शन दिख रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन जो है जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो भी वहां पर दिखता है और यहां पर साइड में भी आप देखेंगे तो आपको सबमिट न्यू फॉर्म का एक ऑप्शन दिखेगा लेकिन जो है पूरी तरह से फॉर्म हमारा अप्रूव्ड हो चुका है। तो यही दोस्तों लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जब फॉर्म अप्रूव्ड हो जा रहा है तो फिर ऊपर जो है ऑप्शन क्यों दिख रहा है, क्या हमको दोबारा से फॉर्म फिल करना होगा या कोई नया फॉर्म फिर से फिल करना होगा? तो इसी को लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो जाता है तो आपको जो है न्यू फॉर्म नहीं फिल करना होता है, आपको सिर्फ जो है ये ऑप्शन रहता है आपको डिसमिस इसको कर देना है, ठीक है। जब आप इसको डिसमिस कर देंगे तो ये ऑप्शन ऊपर से हट जाता है, ये ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं हटता है और इसको जैसे ही आप डिसमिस करेंगे ये जो है ऑप्शन वहाँ से हट जाएगा। तो दोस्तों इसको आप डिसमिस कर देंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उसको डिसमिस कर देंगे लेकिन उसको स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, क्योंकि वहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहता है तो जो भी चीज़ें आती हैं ऊपर ही आती हैं तो उसको अच्छे से रीड कर डिसमिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट न्यू फॉर्म पर क्लिक कर आपको नया फॉर्म नहीं भरना है। अगर आपने कोई मिस्टेक्स दिया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके न्यू फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपने यूएस टैक्स फॉर्म में कोई प्रॉब्लम या मिस्टेक्स किया है तो। तो दोस्तों अब आपको आई थिंक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपने अपने एडसेंस अकाउंट में यूएस टैक्स फॉर्म फिल कर दिया है फिर भी ऊपर आपको अगर ऑप्शन दिख रहा है तो उसको केवल आपको डिसमिस करना है, आपको न्यू फॉर्म नहीं फिल करना है। दोस्तों अगर आपने एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म फिल करते वक्त कोई मिस्टेक्स कर दिया था, फॉर्म में नेम गलत कर दिया था, पैन कार्ड नंबर गलत कर दिया था, एड्रेस गलत कर दिया था, तो जो है आप एड टैक्स न्यू फॉर्म पर क्लिक करके जो है न्यू फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपका जो है यूएस टैक्स फॉर्म नया फिल हो जाएगा और पुराना वाला वहाँ से हट जाएगा। तो दोस्तों अगर गलती नहीं है तो आपको नया फॉर्म नहीं भरना है, आपका अप्रूव हो गया तो वो सही है। आई होप कि दोस्तों वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर आल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।